इमरान खान ने मुबारकबादी का मैसेज भेजा कि नहीं भेजा मेरी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में। आपकी इनफॉर्मेशन नहीं।, नहीं क्योंकि मेरा ख्याल था कि उनको वार्मली वेलकम करना चाहिए इमरान खान, खान को इट्स अ न्यू इट्सिंग वो जो गुजर गया गुजर गया मेरा अपना ख्याल अजीब साहब के ये तासुर भी देना ऐसे इंसान के लिए बड़ी बदनीति होगी कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई वेनमस है या अपने दिल में कोई चीज रख रखते हैं बड़ा क्लीन हार्टेड स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और इन इन्होंने अपने आप को पॉलिटिक्स से कम्प्लीटली पीछे रखना है इनका फोकस सिर्फ आर्मी ही होगा ये दोहरा के बताइए क्योंकि आज तक जितने आर्मी चीफ आए हैं बॉसों के मतलब आई एस पी आर और रिटायर्ड फौजी पहले एक तासर बिल्ड करते हैं कि ये सियासी मामला से कोई तलक नहीं होगा प्रोफेशनल सोल्जर प्रोफेशनल मैटर्स पर फोकस करेंगे बाद में पता नहीं क्या होता है नहीं सर देखिए सिक्स मंथ वन ईयर डाउन दी रोड वो लगता है कि नहीं सारे सियासी मामला के फिर उधर जाएंगे साहब मैं आपको ना इसको इस तरह एक्सप्लेन कर देता हूँ शायद आपको अच्छा ना लगे देखिए अल्लाह ताला ने आपको एक मुकाम दिया है सोशल मीडिया के ट्रोल्स कुछ भी कह लें वो तो मस्त हैं जिसको चाहे वज़ी अजम बना लें जिसको चाहे सड़क पर ले जिसके चाहे घर पर वार कर दें वार कर दें लेकिन एक एंकरशिप आपकी है एक अल्लाह ने आपको मुकाम दिया है लेकिन कुछ ऐसे भी एंकर हैं जो पच्चीस पच्चीस तीतीस साल से दोबू सांप हैं हर सेटअप का हिस्सा भी बन जाते हैं मुनाफ़त भी जानते हैं और मैं ये बात नहीं कर रहा कि कोई जूनियर या, या यंगस्टर की बात कर मैं सीनियर पॉलिटिशियंस की एंकरस की बात कर रहा हूँ स्पेशली वन एक एंकर की नाम ना लीजिएगा नहीं गया गया। नाम मैं नहीं का मुناسب भी नहीं आपकी राय है किसी के तलक देना चाहिए कि नाम के मैं उनके शायद शो पे अगर कभी जिंदगी में गया तो जरूर उनके मुंह पे बोल दूंगा कि मैं पीठ पीछे वैसे भी नहीं करना चाहता बात तो आ, इस टाइप के منافقوں की वजह से और ये हर शोबे में ऐसे منافق होते हैं